तो हेलो भाई, जैसे कि आज का ये वीडियो भाई बहुत ज़्यादा ही खास होने लगे, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अगर आपका एचएफ बार बार जल जा रहा है तो सही कनेक्शन कैसे करेंगे हम। जैसे कि कंडीशनर लगाते हैं हम, नहीं जैसा कि 100 में से 90% लोग भाई कंडीशनर ही लगा के चलाते हैं जो ज़्यादा एचएफ यूज करते हैं, और उनका एचएफ जैसे कि बार बार जल जाता है। तो यहाँ पर हम आपको 4 एचएफ चला के दिखाएंगे, जो हमारा आहूजा का 500 वाट एम्पलीफायर है भाई, इससे हम 4 HF चलाएंगे, जो कि भाई रेड लाइट इंडिकेटर पे हम चलाएंगे, रेड खूंटी पे चला के दिखाएंगे आपको। ये हमारा HF भाई काफ़ी अच्छा चलता है, ऐसे कनेक्शन करके हम चलाते हैं। जैसे कि हमारा देखेंगे भाई, आपको 4 HF दिखेगा और यहाँ पर आहूजा का आपको 500 वाट एम्पलीफायर दिख जाता है। जैसे कि आहूजा का SPA 5000 EM, जैसा कि ये मॉडल का एम्पलीफायर है हमारे पास। जैसा कि आहूजा का ये काफ़ी पावरफुल एम्पलीफायर होता है HF और हाइस चलाने के लिए। सॉरी भाई, जैसा कि HF और हाइस और LMT और यूनिट चलाने के लिए काफ़ी बेस्ट होता है। जैसे कि भाई आहूजा का ये भाई खास करके भाई हमको भाई HF और यूनिट और LMT चलाने के लिए काफ़ी बेस्ट रिस्पॉन्स देता है। इससे हम टॉप ना चलाएं तो ही हमारा एम्पलीफायर काफ़ी बेस्ट रिस्पॉन्स देता है। जैसा कि इसमें फ़ैन आपको नहीं देखने को मिलेगा। ये हमारा HF ही चलाने के लिए माने तो भाई HF प्रोग्राम चलाने के लिए काफ़ी बेस्ट होता है। सुंदरकांड या जागरण कोई भी लाइव प्रोग्राम चलाते हैं उसके लिए काफ़ी बेस्ट होता है आहूजा का ये एम्पलीफायर। और इस एम्पलीफायर का प्राइस इस समय मार्केट में भाई आपको काफ़ी महंगा दिख जाएगा। जैसे कि भाई 26 से 27 हज़ार के बीच में आहूजा का ये 5000 EM जैसे कि मॉडल वाला एम्पलीफायर आपको मिल जाएगा। जैसे कि ये 500 वाट का एम्पलीफायर होता है, तो आप देख सकते हैं हमारा जो कि भाई HF आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे कि भाई 4 HF हम इससे चला रहे हैं, और भाई जैसे ही हम जैसे कि कहीं पे 2 टॉप देना होता है, 4 टॉप देना होता है, तो इसी तरीके से हमारा जाता है। जैसे कि 4 HF और 1 एम्पलीफायर पे हम दे देते हैं भाई, हमारा HF नहीं जलता, पहले बहुत ज़्यादा ही जलता था। और HF का हम आपको कनेक्शन बताते हैं। जैसे कि भाई बिल्कुल इसी तरीके से आपको कनेक्शन करना है तो आपका भी HF भाई काफ़ी लंबे समय तक चलेगा। जैसे कि भाई बार बार जल जाते हैं तो यहाँ पे आपको एकदम सिंपल सेटिंग देखने को मिल जाएगा। जैसे कि 2 हमने कंडीशनर ले लिया है और यहाँ पे हमारा कनेक्शन देख सकते हैं आप भाई, जो कि भाई 2 कंडीशनर आपको ले लेना है, जो 2.5 का रहता है वो कंडीशनर आपको ले लेना है, 2.5 का जैसे कि आपको कंडीशनर ले लेना है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं हमारा दोनों कंडीशनर यहाँ पे भाई कनेक्शन हो चुका है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कंडीशनर में जो हमारा वायर 1 निकलता है वो आपको भाई एम्पलीफायर में डायरेक्टली जाएगा, और यहाँ पे एक और जो रहता है, यहाँ पे 2 हमने वायर जोड़ा है, यहाँ पे देख सकते हैं एक तरफ हमने 2 वायर जोड़ा है, 1 कंडीशनर से 2 HF चलाना है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं एक सिरा हमारा आ रहा है, दोनों प्लस में हमारा आ रहा है, देख सकते हैं 1 कंडीशनर से 2 HF चलाना होते हैं। तो इससे यो होता है हमारा भाई HF जल्दी नहीं जलता और भाई काफ़ी लंबे समय तक चलता है, और क्लियरिटी के मामले में भाई काफ़ी अच्छा क्लियरिटी निकल के आता है। जैसे कि छनकार इससे आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाएगा। जैसे कि 1 पे अगर 2 देते हैं तो, और यहाँ पे देखेंगे भाई 1 में और हमने 2 ही दिया है। जैसे कि 2 कंडीशनर में हमने 4 HF लगाए हैं, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं 1+ आपका डायरेक्टली जाएगा उधर, और 1+ से आप भाई इधर का दोनों कनेक्शन कर सकते हैं, और यहाँ पे देख सकते हैं हमारा सारा माइनस जो है भाई वो 1 में रहेगा। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं माइनस वाला हमारे यहाँ आ रहा है, और इधर का माइनस जो हमारे इधर आ रहा है, जो कि भाई इसमें लंबा वायर जुड़ रहा है। जैसा कि आप देखेंगे भाई 4ों का माइनस 1 तरफ हो जा रहा है, और जो प्लस है भाई यहाँ पे 1 कंडीशनर पे 2 हमारा HF चल रहा है। जैसे कि 1 कंडीशनर से आप 2 वायर निकाल लेंगे, दोनों आपको प्लस प्लस में जोड़ लेना है, उसके बाद भाई 1 कंडीशनर में 2 प्लस प्लस जोड़ लेना है। इसी प्रकार से आप भाई 1 कंडीशनर पे 2 HF चला सकते हैं, और भाई HF भी जलने का बहुत कम चांस रहता है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कोई भी आपका HF हो उससे मतलब नहीं है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं प्लस जो हमारा बड़ा वाला वायर है, जैसे कि यहाँ पे प्लस आपको दिख जाता है। जैसे कि देखेंगे भाई 4ों प्लस आपको 1 में ले लेना है, जो HF भाई यहाँ पे जो कंडीशनर होता है उसमें आपको 2 पे 1, और इसी तरीके से देख सकते हैं 2 पे 1, जैसे कि इसी तरीके से आपको करेक्शन करना है 2 पे 1 2 पे 1। तो हम इसको आपको चेक भी करके दिखाते हैं, जैसे कि हमारा भाई ये कैसे चलता है, और क्लियरिटी जैसे कि आवाज़ हमारा कितना तेज आता है इससे। जैसे कि रेड खूंटी पे हम आपको चला के दिखाएंगे ये HF भाई। जैसे कि कई लोग कनेक्शन करते हैं और भाई 1 पे 1 दे देते हैं, इससे क्या होता है भाई, जैसे कि कंडीशनर ज़्यादा का होता है और चार्ज रहता है तो भाई आपका HF जल जाता है, बार बार इससे ही जलता है। जैसे कि 1 पे 1 देंगे तो भाई बार बार आपका HF जल जाएगा, जैसे कि ट्यूटर आपका बार बार जल जाएगा।
एक पे दो देंगे तो भाई काफ़ी लंबे समय तक चलता है और भाई HF जलने का बिल्कुल कम चांस रहता है। जैसे कि 100 में से 90% मानिए भाई, अगर आप एम्पलीफायर ज़्यादा खोल रहे हैं, एम्पलीफायर का ट्रेबल ज़्यादा खोल देंगे, जैसे कि पूरा खोल देंगे जैसे कि ट्रेबल, और भाई एम्पलीफायर से आप ज़्यादा छेड़खानी करेंगे तभी आपका HF जलेगा, नहीं तो आप ऐसे कनेक्शन करके चलाएंगे तो भाई बिल्कुल नहीं चलेगा। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि इसी एम्पलीफायर से हम चलाते हैं, जैसे कि आहूजा के 500 वाट एम्पलीफायर से हम चलाते हैं रेड खूटी पे भाई। जैसे कि इस मोबाइल से हम वीडियो बना रहे हैं तो भाई हम गाना नहीं चला सकते, तो भाई आप एक बार अगर भाई आपका HF जल जा रहा है तो भाई इस तरीके से कनेक्शन करके चलाएँ तो भाई आपका HF भाई जो जल रहा था बार बार वो नहीं जलेगा। जैसे कि भाई इस तरीके से कनेक्शन करें, उसके बाद देखें भाई आपको खुद अच्छा एक अच्छा रिस्पांस देखने को मिल जाएगा, जैसे कि आपका HF भाई बिल्कुल कम जलेगा। तो भाई आप भी ऐसे कनेक्शन करके चलाइए। जैसे कि भाई हम वीडियो बना रहे हैं तो यहाँ पे भाई HF चला नहीं सकते, जैसे कि भाई नहीं तो हम चला के दिखाते हैं आपको HF। जैसे कि हम भाई अगर आपका HF चल रहा है तो आप हॉर्न पर चलाएँ भाई, एक स्पीकर पर एक हॉर्न पर चलाना होता है, और हॉर्न पे आप चलाएंगे तो भाई आपका काफ़ी अच्छा क्लियरिटी देगा और HF में जैसे कि बेस नहीं जाएगा। और यहाँ पे आपका जो HF का वॉल्यूम होगा भाई फुल नहीं रखना है, जैसे कि वो नहीं रखना है, बेस को एकदम जीरो पे रखना है। और जैसे कि HF का वॉल्यूम जो होता है भाई वो आपको यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि भाई कई भाई लोग होते हैं फुल रख देते हैं जो सरकार बहुत ज़्यादा ही चाहते हैं, तो भाई फुल नहीं रखना चाहिए आपको HF का वॉल्यूम। जैसे कि आपको इतने पे ही वॉल्यूम रखना है, घड़ी के 3 बजे जैसा कि वॉल्यूम आपको बिल्कुल रख लेना है तो आपका क्लियरिटी काफ़ी अच्छे से चलेगा और HF में भाई ज़्यादा छनकार नहीं चाहिए। जैसे कि भाई फुल पे रख देंगे तो भाई हद से ज़्यादा हो जाता है, तो भाई आपको फुल पे नहीं रखना है, तो इतने पे रखेंगे काफ़ी अच्छा क्लियरिटी आएगा और भाई HF भी नहीं चलेगा। ज़्यादातर यही कोशिश करिए 250 वाट 500 वाट, ज़्यादा से ज़्यादा भाई 700 वाट से चलाना, उसके ऊपर चलाएंगे तो आपका नुकसान हो सकता है। तो भाई आप इस तरीके से एक बार सेटिंग करके ज़रूर चलाना HF को, अगर आप उस तरीके से चलाते हैं तो। कोई भी HF है ज़्यादा आप वॉल्यूम खोल देंगे तभी चलेगा। जैसे कि भाई आपको वॉल्यूम देख के चलाना है, जैसे कि भाई लाइट इंडिकेटर ऊपर नीचे होना चाहिए, रेड से हरे पे हरे से रेड पे, जैसे कि ऊपर नीचे होता रहेगा तब जाके नहीं जलेगा, नहीं तो रेड पे टिका रहेगा तो HF तो आपका HF जलने का पूरा चांस रहता है। तो आई होप कि भाई आपको अच्छे से मालूम चल गया होगा। जैसे कि इस वीडियो में भाई हमने भाई HF का कनेक्शन बताया है, 2 पे आपको 1 HF चलाना है, उसके बाद भाई रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाएगा और आपका HF भाई बिल्कुल नहीं जलेगा, जो बार बार जल जाता था वो नहीं जलेगा। तो भाई आज के इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी सीख मिली हो तो इतनी मेहनत के लिए प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट।